तो ये जो जीके में दोस्तों ऑलमोस्ट सभी डिवाइस पर काम कर चुका है, एंड्रॉइड 8, एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 सभी के साथ ये जो गूगल कैमरा काम करेगा काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान दोस्तों इसी गूगल कैमरा का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस जीकेएम को डाउनलोड करना चाहते हो आपके फोन के लिए, तो इस जीकेएम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करके देखो आपके फोन के ऊपर। एमआई टू डिवाइस के ऊपर हमने एंड्रॉइड 12 को इंस्टॉल किया, पर एंड्रॉइड 12 के साथ ये जो जीके में काम कर जाएगा, प्लस एंड्रॉइड 8, एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10 सभी के साथ काम करेगा। एंड यहाँ पर हमारे पास जो एमआई टू डिवाइस है, पोको F1 डिवाइस है, रेबी नोट 7, रेबी नोट 10 प्रो, पोको X3 सीरीज सभी डिवाइस के साथ जो जीके में काम कर रहा है। सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर जो मीडियाटेक डिवाइस है, यहाँ पर मीडियाटेक डिवाइस के ऊपर जो जीके में काम कर जाएगा, प्लस जो स्नैपड्रैगन डिवाइस है उसके साथ भी काम करेगा। एंड यहाँ पर जो है एक्जिनोस डिवाइस को आप ट्राई करके देख सकते हो, काफी बढ़िया बात है। बेसिकली जो है स्नैपड्रैगन डिवाइस के साथ काम करते हैं फॉर श्योर, प्लस जो सैमसंग डिवाइस है उसके साथ भी काम करेगा। एंड ये जो जीके में दोस्तों बेसिकली सैमसंग डिवाइस के लिए तैयार किया गया है, तो यहाँ पर जो है एक्जिनोस डिवाइस प्लस जो मीडियाटेक डिवाइस है उसके ऊपर ये जो जीके में काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली जो जीके में डाउनलोड करके आपके फोन को ट्राई करके देखो, वन प्लस डिवाइस, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, शाओमी, पोको सभी डिवाइस के ऊपर ये जो जीके में काम कर जाएगा। अगर बात करें कौन कौन से ऑप्शंस के ऊपर ऐड किया गया है जीके में, तो काफी बढ़िया है, काफी स्टेबल है, ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के साथ है जो जीके में काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर फोटो के बारे में। देख पाओगे यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर टाइमर के ऊपर 3 सेकंड, 10 सेकंड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है ग्रिड टाइप के ऊपर 3x3, 4x4 का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो है ऑटो वाइड बैलेंस के ऊपर ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें यहाँ पर फ्लैश लाइट के बारे में, तो यहाँ पर ऑटो फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट को ऑफ कर सकते हो, फ्लैश लाइट को ऑन करने का बटन है। प्लस यहाँ पर जो है फोटो के ऊपर जो एक्सप्लोरर है इसे भी ऐड किया गया है, इसके साथ जो है ब्राइटनेस एंड जो शेडो है कंट्रोल कर पाओगे। ऑटो फोकस को लॉक करने के लिए जो बटन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है, इसे भी ऐड किया गया है। जो वीडियो के ऊपर जो है ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, 3x3, 4x4 का ऑप्शन है। एंड जो है ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है वीडियो के ऊपर, प्लस जो है फ्लैश भी कम कर जाएगा वीडियो के ऊपर। एंड वीडियो के ऊपर जो है एक्सपोजर को भी ऐड किया गया है, ब्राइटनेस एंड शेडो को कंट्रोल कर पाओगे, प्लस लॉक भी कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। एंड ये जो यूआई है काफी सिंपल है, देखिए बड़ो। एंड कुछ इस तरह से डबल टैप करके आप जूम भी कर पाओगे, आप जो है यहाँ पर कैमरे के ऊपर 8x तक जूम कर सकते हो। एंड वीडियो के ऊपर जो है 8x तक जूम करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है वीडियो के ऊपर 8x तक जूम कर पाओगे। एंड काफी स्मूथ है, देखिए बड़ो। एंड ये जो जगह में काफी फास्ट है एंड सभी डिवाइस के ऊपर काम करेगा। अगर आपके पास 2GB 3GB वाला फोन है, तो डेफिनेटली जो जीके में ट्राई करके देखो आपके फोन के ऊपर। एंड यहाँ पर ये जो जीके में दोस्तों इस जीके में यूज करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर जो है कैमरा 2 API एनेबल होना चाहिए, देखिए पा रहे हो। कैमरा 2 API के साथ जो है लेवल 3 फुल का सपोर्ट होना चाहिए, तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा 2 API के साथ जो है लेवल 3 फुल का सपोर्ट है, तो ये जो जीके में काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली ये जो जीके में ट्राई करके देखना आपके फोन के ऊपर। अगर बात करें कौन कौन से ऑप्शंस को ऐड किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर जो है आप फोटो को क्लिक कर पाओगे, यहाँ पर जो जीके में काफी फास्ट है। एंड यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी काम कर जाएगा, देखिए बारो यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग काम करता है। एंड यहाँ पर जो है पॉज का ऑप्शन है, स्टॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी काम कर रहा है, प्लस जो जूम का ऑप्शन है वो भी काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो एक्सपोजर है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो HDR मोड है इसे भी ऐड किया गया है इस गूगल कैमरे के ऊपर। एंड यहाँ पर जो फोटो एक्सपर मोड है इसे भी ऐड किया गया है, यहाँ पर जो फोटो एक्सपर मोड है दोस्तों 1UI 2.1 के बाद जितने भी वर्सन है सभी के साथ काम करेगा। यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन, प्लस जो एक्सप्लोरर का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। वॉल्यूम की इसके साथ जो है जूम कर सकते हो, प्लस फोटो को क्लिक करने का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो है डबल टैप टू जूम का ऑप्शन है, सिंपली अगर आप यहाँ पर डबल टैप करोगे ऑटोमेटिकली गूगल कैमरा जो है जूम करेगा, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस जी कैमरे के साथ। एंड ये जो गूगल कैमरा है सभी सैमसंग डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा, वन प्लस डिवाइस के ऊपर काम करेगा, एंड्रॉइड 8, एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11 के साथ, एंड्रॉइड 12 के साथ जो जीके में काम कर जाएगा, प्लस MIUI के साथ भी काम करेगा, काफी बढ़िया बात है। या बस स्लो मोशन का ऑप्शन से पैनोरामा का ऑप्शन है, एज वेल जो फोटो स्पर का ऑप्शन है, एंड जो लेंस ब्लर का ऑप्शन है, बेसिकली जो पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो है पैनोरामा जो है काम नहीं कर रहा है दोस्तों 1UI 2.5 के साथ। अगर आप एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 की यूज करोगे, तो यहाँ पर जो है पैनोरामा काम कर जाएगा, प्लस जो फोटो स्पर मोड है वो भी काम कर जाएगा, प्लस HDR मोड जो है कुछ कुछ डिवाइस के ऊपर जो है काम नहीं कर रहा है। एंड देखिए बारो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं स्लो मोशन के बारे में, तो यहाँ पर जो है 120 FPS का सपोर्ट है, तो यहाँ पर जो है 240 FPS का जो सपोर्ट है स्लो मोशन के ऊपर ऐड नहीं किया गया है। तो देखिए बारो ऐसे भी ऑप्शन है, यहाँ पर ग्रिड टाइप के ऊपर 3x3, 4x4 का ऑप्शन है। यहाँ पर जो ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, प्लस जो फ्लैश का ऑप्शन है ये भी काम करेगा। एंड यहाँ पर स्लो मोशन के ऊपर जो एक्सप्लोरर है इसे भी ऐड किया गया है।
देख ही सकते हो यहाँ पर जो है 120 एपीएस के ऊपर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एम आई टू डिवाइस के ऊपर, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो है 120 एपीएस के ऊपर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम करता है, जो है 240 एपीएस का जो ऑप्शन से स्लो मोशन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है स्लो मोशन काम कर जा रहा है एम आई टू डिवाइस के साथ, काफी बढ़िया बात है। तो इस जीकैम के यूज करके जो है स्लो मोशन को यूज कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे डिवाइस के ऊपर जो है नया वाला जो वर्सन अवेलेबल है जीकैम 8.4 उसके साथ जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम नहीं करता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं पैनोरामा के बारे में, पैनोरामा का ऑप्शन से ये भी काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। देखिए पड़ो इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं फोटो स्पर मोड के बारे में, अगर आप 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो, ये जो फोटो स्पर मोड है इसे भी ऐड किया गया है, तो इस ऑप्शन के साथ आप सिंपली जो है 360 फोटो को क्लिक कर पाओगे कोई भी डिवाइस के ऊपर। देखिए पड़ो कुछ इसर से जो है 360 फोटो को क्लिक कर पाओगे। यहाँ पर जो लेंस ब्लर मोड है पोर्ट्रेट मोड की तरह है, लेंस ब्लर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, भी काम कर जाते हैं, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो है लेंस ब्लर मोड एंड पोर्ट्रेट मोड जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोस्तों बात कर लेते हैं सेटिंग्स मेनू के बारे में, देखते हैं यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है कैमरा साउंड का ऑप्शन है, तो सिंपली जो है यहाँ पर कैमरा साउंड को बंद कर पाओगे। एचडीआर मोड को ऐड किया गया है, एचडीआर प्लस को यूज कर पाओगे। प्लस यहाँ पर सेव लोकेशन का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर गेस्चर्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है वीडियो के ऊपर जो है 4K का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो इस जीकैम को यूज करके जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड ये जो जीकैम है दोस्तों काफी स्मूथ है, काफी स्टेबल है। एंड्रॉइड 8, एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10 ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर ये जो जीकैम में काम कर जाएगा। सैमसंग का डिवाइस, वन प्लस का डिवाइस, रियलमी, ओप्पो, वीवो सभी के साथ ये जो जीकैम में काम करेगा, काफी बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली ये जो जीकैम है ट्राई करके देखो आपके फोन के ऊपर। एंड इस जीकैम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस जीकैम को ट्राई करके देखिए आपके फोन के ऊपर। गूगल कैमरा 8.4 के साथ जो है मॉनिटर का ऑप्शन को ऐड किया गया है, जो वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम को सपोर्ट इसे भी ऐड किया गया है। प्लस जीकैम 8.4 के ऊपर जो है मल्टीपल लेंस का सपोर्ट है। यहाँ पर जो एक्शन पैन एंड जो लॉन्ग एक्सप्लोर का ऑप्शन है पिक्सल 6 से ऐड किया गया है जीकैम 8.4 के ऊपर। गूगल कैमरा 8.4 जो है सभी डिवाइस के साथ काम नहीं करेगा, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 के साथ काम करता है। एंड्रॉइड 9 एंड एंड्रॉइड 8 के साथ जो है जीकैम 8.4 काम नहीं करेगा। वीडियो के ऊपर ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पर गूगल कैमरा 8.4 के ऊपर। प्लस यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अब जीकैम 8.4 के साथ जो है आपको अलग अलग जो वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन देने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पड़ो यहाँ पर स्टैंडर्ड, लॉक, एक्टिव, सिनेमेटिक पैन, ये सभी ऑप्शन जो है। ये जो जीकैम है ऑलमोस्ट सभी सैमसंग डिवाइस के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो जीकैम है ट्राई करके देखो। यहाँ पर स्लो मोशन, पैनोरामा, फोटो स्पॉट मोड, लेंस ब्लर का ऑप्शन है। ये जो लेंस ब्लर का ऑप्शन है बेसिकली पोर्ट्रेट मोड है, ये भी काम करेगा। प्लस डबल टैप टू जूम का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। एक्सपोजर को ऐड किया गया है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, तो काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली ये जो जगह में ट्राई करके देखो आपके फोन के ऊपर। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। तो ये जो गूगल कैमरा है सैमसंग, वन प्लस, रेडमी, शाओमी, पोको ऑलमोस्ट सभी डिवाइस पर काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। स्पेशली अगर आपके पास 2GB 3GB वाला डिवाइस है तो इस जीकैम को डेफिनेटली ट्राई करके देखो आपके फोन के ऊपर। एंड इस जीकैम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर ट्राई करके देखो। एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वापस जाके लेटेस्ट जो गूगल कैमरा का वर्सन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो।